बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू टीच एंड वर्क। आज की क्लास इनपेज की क्लास नंबर 2 है, इसका लेसन नंबर 2 होगा। आज चलें स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो भी वीडियो में सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें और इसको फॉरवर्ड करके मत देखें, नॉर्मली व्यू में देखें इसको, आपको एक पॉइंट की समझ आएगी। और चलें स्टार्ट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कुछ मार्जिन वगैरह मैंने बताना भूल गया आप लोगों को कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन में हम लोग चलें यहाँ पर ओपन करते हैं एक पेज, ये देखें इसको व्यू से फिट कर लेते हैं F5 से। देखें यहाँ पर जो हम लिखा जाता है, यहाँ पर स्पेस है इस तरफ ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट में, ये इसका मार्जिन है। अगर इसका मार्जिन देखें अभी कितना है, 12.7 mm। अगर इसको हम करते हैं टॉप से इस तरह से, इसको कर देते हैं 20, क्या होगा, इसको फिट करते हैं यहाँ पर। देखें यहाँ से इसकी स्पेस राइट साइड पे कम हो गई है। चलें टॉप पर से इसको कर देते हैं जी 50। देखें अब आपको व्यू नजर आएगा इसका ऊपर से टॉप से 50। ओके, ये सम केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। जैसे हम स्टाम्प पेपर पे प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए ऊपर यहाँ पे मार्जिन छोड़ा जाता है। जैसे हम कंट्रोल एन से लेते हैं, यहाँ पर एक आप सेट कर लें कि पेज हमारा लीगल है, लीगल साइज बड़ा वाला, और ऊपर का हम 50 पर सेंटीमीटर कर लेते हैं। ओके ओके करेंगे तो ऊपर का 5 मिली जो है कम हो जाएगा। यहाँ पर हम जो कुछ लिखेंगे वो जब हम प्रिंट के लिए इसको कमांड देंगे तो इतना हिस्सा वो छोड़कर यहाँ पर प्रिंटिंग करेगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर प्रेस करें। यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड है, फोनेटिक कीबोर्ड मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर मार्केट में यही यूज होता है। मार्केट में यही यूज होता है ज़्यादा, और इसके अलावा और भी इसके अंदर फारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है। चले फोनेटिक के ऊपर कीबोर्ड को व्यू करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये फ्रेंड ये क्लासेस, ये लेसन, ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनको आता है उनके लिए तो ये बोरिंग होगा। फ्रेंड यहाँ पर चलते हैं, ये कीबोर्ड है, इसको आप प्रिंट कर लें और इसको याद करें कहाँ पर कौन सा वर्ड है और इसको कैसे टाइप करना है। जैसे ये नीचे के वर्ड हैं, इसी लाइन के अंदर ये नीचे के वर्ड हैं, नॉर्मली हम इसको ZXC से प्रेस करेंगे तो याद है। ऊपर के जो वर्ड हैं Z capital X capital C capital V, तो ये शिफ्ट दबा कर ये दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको ये प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे तो ये आएगा, ये लिखा हुआ आएगा। ओके चलो ट्राई करके देखते हैं इसमें कैसे लिखते हैं। इसको हम फिट करते हैं 200 पे। देखें उन्होंने एन से एन प्रेस किया, यहाँ पर एन आ रहा है, देखें एन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ पर नू लिखा जा रहा है, ठीक है। और ए से अलिफ आएगा, बी ए से बी से बी आएगा। ओके ये है इसका टाइपिंग। वहाँ से फिर से चलते हैं एडिट में जाकर, प्रेफरेंस में, कीबोर्ड, इसमें कीबोर्ड और भी है, मोनोटाइप है, मोनोटाइप देखें इसका थोड़ा डिफरेंस है। मोनोटाइप लिखने के लिए इसमें लिखना, इसको सीखना पड़ेगा, और इसके अंदर वो लोग ये यूज़ करते हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स टाइप करते हैं, लेंथी बुक्स वगैरह, ये उनके लिए है। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, यहाँ पर एक
फाइल सेव की हुई है। नो सॉरी, ये वाली नहीं, कोई दूसरी फाइल दिखाते हैं। ये देखें, ये कुछ मैंने टाइप करके छोड़ा हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज कैसे होगी, सिंपल वे में, जैसे इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर माउस लाएं और इसको ऐसे ड्रैग कर लें। एग्जांपल, हम मैं उर्दू का एक पॉइंट खोलता हूँ, यहाँ पर ये उर्दू है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर। एग्जांपल, हमने यहाँ पर कुछ ये लिखा है अलियास का, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन, इसको अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट लाइन हो जाएगा। देखिए, यहाँ से पास करेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। अगर इसको फुली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन, जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर टेक्स्ट होगा तो ओके, ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिक फॉन्ट ये आ रहा है, उससे आगे उर्दू फॉन्ट ये आ रहा है। देखिए, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद ये इसकी हाइट है, मतलब यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं वापस करता हूँ, जैसे इनकी बीच सेंटर वाली हाइट भी हो, जैसे इन दो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट में ले देता हूँ 10, तो इसके दरमियान स्पेसें आ गई क्लियर। अगर अब इसके अंदर लिख देते हैं 5, तो स्पेसें कम हो गई। अगर हम लिखते हैं माइनस दो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर एक लिखा जाए तो स्पेस और कम होगी। इसको नॉर्मली 0 पर रखें तो ईजी हो जाएगा, फ़ॉन्ट भी नुमाया नज़र आएंगे, लिखा हुआ अच्छे से नज़र आएगा, ओके। यहाँ पर जो है स्पेस ऑटो है, मतलब इसके अंदर दो करेंगे तो स्पेसें आपस में मर्ज हो जाएंगी। देखिए, यहाँ एरो का निशान आ रहा है, ये स्पेस है, आपस में एक दूसरे का मर्ज करने को। यहाँ 5 करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 50 करें, देखें स्पेसें ज़्यादा हो रही है, कम 50 रखें, 50 पर नॉर्मल आ गया, ओके। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने पर डिपेंड है, अगर हम पेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, ओके। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक स्टेप आगे चलते हैं, इस स्टेप को बोल्ड करना है तो ये बोल्ड होगा। देखिए, बाकी भी आपको नॉर्मल नज़र आएंगे, और ये ऐसे सिलेक्ट करें, मतलब इसमें इतना ही आपको बोल्ड करना है, तो यहाँ पर माउस ले जाकर ऐसे, या फिर एरो की से और शिफ्ट दबाकर ऐसे, एरो की से, ठीक है, ओके। यहाँ से इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, वो अपने पर डिपेंड है। अगर इसको दोबारा दबाएंगे फिर वापस आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए करें, यहाँ पर टोटली को बोल्ड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब इतना हिस्सा हमको बोल्ड नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो बोल्ड है वही वाले बोल्ड हैं। ये है आपका डायरेक्शन बताएगा, ऐसे यहाँ से लिखना चाहते हैं इस तरफ से, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आएगा, ओके। इसको मैं ज़रा यहाँ ले आता हूँ, देखिए आपका कर्सर यहाँ पर आएगा, ओके। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो आप जब भी नया वर्ड लिखेंगे, इंटर मारेंगे, तो कर्सर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कीबोर्ड के बारे में, बता दिया आपको। हाँ, एक चीज़ और बताता चलो, एडिट में जाएं कीबोर्ड में, अगर आप अपना खुद का कीबोर्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, जैसे कीबोर्ड 1 है, यूज़र डिफाइंड, चेंज कर, इसमें अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जेड पे आपको जिम चाहिए तो जिम को क्लिक करेंगे और साथ के साथ होल्ड करेंगे तो यहाँ पर इस पर लाएंगे, यहाँ जिम आएगा, ऐसे एज को यहाँ पर लाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कैसे काम करना है, ओके। ये सिर्फ कस्टम
कीबोर्ड में हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ओके बाकी कीबोर्ड डिफाइंड है, इसको क्रॉस कर रहे हैं, सेव करना है तो आपका कीबोर्ड चलेगा। ओके इसको नॉर्मली आप फोनेटिक में रखें, ओके तो इसी में काम होगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी लेसन नंबर टू की। इसके अंदर हमने कीबोर्ड टाइपिंग और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। चले मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।